क्लास इलेवेंथ बेटा आज नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं नाम है एस्केप वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इसको अच्छी तरह से समझना है और करना है अपने तो पहले डेफिनेशन एस्केप वेलोसिटी होती क्या है इट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी विद विच द बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो एज टू अनेबल इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल इज नाउन एज एस्केप वेलोसिटी तो मिनिमम वेलोसिटी जिसके साथ ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं और वो जमीन पर अर्थ के ऊपर कभी भी वापस नहीं आती है यानी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार करके बाहर निकल जाती है तो ऐसी मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम विलोसिटी जिसके साथ अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो करे तो, तो वह स्पेस में चली जाएगी ऑब्जेक्ट और कभी भी अर्थ के ऊपर वापस नहीं आएगा उस मिनिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी अब इसको डेराइव करना है किस तरह से करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है वो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जी एम एम ओवर एक्स स्क्वेयर होती है तो डायग्राम में अगर आप देखो तो एक्स क्या है सेंटर से लेकर पॉइंट क्यू पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स मानते हैं तो पॉइंट पी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है विच इज इक्वल टू जी एम एम ओवर एक्स स्क्र अब वर्क डन उसको अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से पी से उसको थोड़ा सा आगे मूव करवाएं क्यू तक लेके जाते हैं तो ऐसे में उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल डिस्टेंस का जो चेंज है डेट इज इक्वल टू डी एक्स तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू डी एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम एम एक्स स्क्र साथ में आ जाएगा टी एक्स अब हम टोटल डन के लिए क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ जिसका कि सेंटर से डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है ए पॉइंट से लेकर इनफाइनाइट तक जाना है तो आपके पास लोअर लिमिट आर हो गई कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ अपर लिमिट इनफाइनाइट तो ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से इनफाइनाइट तक पहुंचाने के लिए जो वकडन होगा वो इस फार्मूले से निकलेगा जी एम एम ओवर एक्स स्क्र डी एक्स तो यी एम एम कॉमन निकल जाएगा एक्स स्क्र डी एक्स का वन ओवर एक्स स्क्र डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे पावर माइनस टू हो गया ऊपर चला गया तो इंटीग्रेशन के बाद पावर माइनस वन नीचे माइनस वन आ गया उसके बाद आपने अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट पुट करनी है वन ओवर इन्फिनिटी जीरो के बराबर होता है तो आपके पास जो तो आंसर आएगा वर्क डन विच इज़ इक्वल टू जी एम एम डिवाइड बाई आर अब इतना वर्क डन आपको करना होगा अगर आप चाहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को आप स्पेस में इंफाइनइट तक पहुंचाना पहुंचाना चाहते हैं तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा अब डन ये कहाँ से होगा जितनी आप उस ऑब्जेक्ट को एनर्जी लगाओगे उतना वो डन करेगी और एनर्जी कहाँ से मिलेगी इस केस में उसको एनर्जी मिलेगी काइनेटिक एनर्जी से अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी और वो काइनेटिक एनर्जी जो है इस वर्क डन के इक्वल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर यहाँ पर स्मॉल ई लगा हुआ है साथ में जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस वेलोसिटी इज अस्केप वेलोसिटी। सो एस्केप वेलोसिटी के लिए आपके पास जो फार्मूला फिर बनेगा हाफ एम वी स्क्र इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर अगर आप इसको रीअरेंज uh, करते हो तो वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो एस्केप वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वेयर रूट अब जी एम कैपिटल जी कैपिटल एम इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है अगर आपको याद हो तो स्मॉल जी जो है वो जी एम ओवर आर स्क्वेयर होता है इस आर स्क्वेयर को अगर हम इधर ले जाते हैं तो जी एम किसके बराबर हो जाएगा स्मॉल जी आर स्क्वेयर तो ये जी एम की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं एक आर कट जाएगा और उसके बाद आपके पास जो वैल्यू बचेगी विच इज़ इक्वल टू स्क्र रूट के अंदर है टू जी आर वे स्मॉल जी इज़ द अक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी निकाल सकते हो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है इस फार्मूले से आपको दिख रहा है ये रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है और एक्सेलेशन के ऊपर एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है सो so ऑब्जेक्ट आपके पास जो है चाहे वजन में कम हो मास उसका कम हो चाहे उसका मास ज़्यादा हो बट उसको विलासिटी जो है वो इसके बराबर चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ताकि उसको आप स्पेस में भेज सको अब ये विलासिटी किसके इक्वल होगी उसको न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट करते हैं जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट होती है तो यहाँ पर क्योंकि आप रेड किलोमीटर्स में वैल्यू ले रहे हो तो नाइन पॉइंट एट जो है वो मीटर पर सेकेंड है उसको किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर में कन्वर्ट किया है उसके साथ रेडियस सिक्सटी फोर हंड्रेड किलोमीटर होता है ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा विच इज़ इक्वल टू 11.2 पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड विलोसिटी के साथ आप थ्रो कर पाते हो तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ के ऊपर वापस नहीं गिरेगा वो स्पेस में चला जाएगा तो ये अपने इसके फिलोसटी वाला जो है आर्टिकल है वो अच्छी तरह से करना है यहाँ तक करना है अपने तो वैल्यू निकालनी है एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ तो इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है